प्रोटीन कौन सा है, बढ़िया बेस्ट वे प्रोटीन कौन सा है, तो यही टॉपिक हमारे चल रहे हैं। इस टाइम मैं बात करने जा रहा हूँ जो वे प्रोटीन की, मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ प्रोडक्ट का। वे प्रोटीन जो है BSN का वे प्रोटीन सिंथा 6, ठीक है, इसके बारे में रिव्यू दे रहा हूँ। वीडियो एंड तक देखना, आपको पता लग जाएगा क्या ये प्रोडक्ट बढ़िया है, इंडियन मार्केट में ये बिक रहा है, कैसा प्राइस है, बेनिफिट क्या है, आपको लेना चाहिए, इससे बेनिफिट होंगे या नुकसान होंगे, क्या होंगे, सारी चीज़ें मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। वीडियो एंड तक जरूर देखनी बगैर स्किप किए हुए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। BSN बढ़िया कंपनी है, हम सब जानते हैं, बढ़िया ब्रांड है, इंडियन मार्केट में काफ़ी इसका ट्रस्ट बन चुका है और कंपनियों की तरह। अब इसके प्रोडक्ट की बात करें, वे प्रोटीन सिंथा 6 की, ये आपको मिल रहा है 5 पाउंड का, ऑलमोस्ट 4000 में। अब कई सप्लीमेंट स्टोर जो है वो थोड़ा चीप भी दे रहे हैं, 3600 3800, इतना मैंने प्राइस जो है खुद देखा है जो सप्लीमेंट स्टोर में पता करके, कि 3600 तक का भी ये मिल रहा है 4 पाउंड का। तो आप ये खुद अपने आसपास के सप्लीमेंट स्टोर में देख लीजिए। हाँ, पर सप्लीमेंट स्टोर जेन्युइन होना चाहिए ताकि प्रोडक्ट भी आपको बढ़िया मिले, जेन्युइन मिले और रिजल्ट तभी आएंगे, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं सिंथा 6 की। तो ये जो कंपनी क्लेम कर रही है, 47 ग्राम जो है इसका स्कूप साइज है, जिसमें 200 कैलोरीज आपको मिल रही हैं, 200 कैलोरीज मिल रही हैं आपको, कितना, 47 ग्राम के स्कूप में। अब इसमें फैट जो है वो 6 ग्राम है, ठीक है, नॉर्मली सैचुरेटेड फैट भी है 2.5 ग्राम के करीब करीब, ठीक है। तो मेनली फैट जो है वो 6 ग्राम है। अब इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है 15 ग्राम, जिसमें फाइबर आपको मिल रहा है 5 ग्राम और शुगर 2 ग्राम, ठीक है, बहुत ज़्यादा शुगर भी नहीं है, फाइबर भी आपको मिल रहा है। फाइबर जैसे आप सब जानते हैं डाइजेशन वगैरह के लिए बढ़िया है, हालांकि अगर मैं कहूँगा अगर आप फुल डे की डाइट में अपने फाइबर रिच रखें वो ज़्यादा बेनिफिट देता है किसी सप्लीमेंट में लेने की बजाय, पर तब भी जो इसका कंटेंट है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो आपको जो है 47 ग्राम में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, 6 ग्राम फैट, और प्रोटीन की मेनली बात करें जो आप सब सुनना चाहते हैं वो है 22 ग्राम। तो प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पर प्रोटीन ज़्यादा नहीं है, 47 ग्राम में अगर 22 ग्राम प्रोटीन है वो ज़्यादा नहीं माना जाएगा, और इनका वे प्रोटीन बढ़िया भी है, रिजल्ट भी बढ़िया देता है। अब उसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि BSN भी भाई मैंने बहुत यूज़ किया हुआ है, ये प्रोडक्ट आज के नहीं है। देखो, ब्रांड चेंज कर देनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा, आप ब्रांड चेंज करते रहते हैं, आपको पता लग जाता है कि कौन सा आपको ज़्यादा सूट कर रहा है, ज़्यादा बढ़िया कौन सा रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि मैंने खुद अपने टेस्ट किया कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़िया रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड लेते रहते हैं, क्योंकि यार ज़्यादा देर तो कोई प्रोटीन चलता नहीं है, 10 दिन 15 दिन में ख़त्म हो जाता है, तो फिर इसलिए थोड़ा टेस्टिंग सी चलती रहती है। इवन जो PT लेते हैं, जिम में ट्रेनिंग लेते हैं, उनको भी मैं प्रोडक्ट जो है अलग चेंज कर देता हूँ, पता लगे कि किस पे कौन सा ज़्यादा सूट कर रहा है, या कौन सा जो प्रोडक्ट है सभी पे सूट कर रहा है, ज़्यादा रिजल्ट दे रहा है। तो इसी की एक कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेनली इसका प्रोटीन कंटेंट है, हालांकि बहुत कम है, पर वो मेनली जो है वो वे प्रोटीन, मेनली जो हाई प्रोटीन है, वहाँ पे सोया प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है। तो ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, क्योंकि आप कह सकते हो मैं सोया के थोड़ा खिलाफ सा रहता हूँ, है ना, आप देखेंगे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं सोया के गुणगान गाते हैं, सोया प्रोटीन से ऐसे ऐसे वो लगा देंगे थंबनेल, 10 ग्राम में 60 ग्राम प्रोटीन, 10 रुपये में 60 ग्राम प्रोटीन, हाँ इतने 5 रुपये में इतना प्रोटीन, ऐसे करके, और बाद में जो देखोगे तो वहाँ पे सोया प्रोडक्ट होंगे वो, ठीक है। तो 60 ग्राम तक प्रोटीन तो भाई वो सोया से ही ले ले रहे हैं 10-15 रुपये दे के। मैंने तो लिया नहीं, मुझे एग्जैक्ट रेट नहीं पता, कई लड़के गलती ना निकाले कि भाई इतने का नहीं इतने का आता, तो मुझे नहीं पता, मैंने सोया नहीं प्रोडक्ट यूज़ किए। अब फिर से टॉपिक पे आ जाएं, तो आपको जो प्रोटीन मिल रहा है वो 22 ग्राम है, कम है, मैं मानता हूँ कम प्रोटीन है, ब्रांड बढ़िया है तब भी प्रोटीन कम है, उसका एक ही रीज़न है कि वो प्रोटीन हाई क्वालिटी का प्रोटीन है, और कंपनी भी इवन क्लेम कर रही है सोया प्रोडक्ट नहीं है, वहाँ पे सोया से प्रोटीन नहीं लिया गया, और ये जो कंपनियाँ ये ऑथेंटिक लैब्स वगैरह से टेस्ट होके अपने लेबल बनवाती हैं, वहाँ पे ले जो जानते होंगे मोस्टली लड़के कि वहाँ पे लैब्स भी हैं जो लेबल को भी टेस्ट करती है, इंटरनेट की रैंकिंग भी वहाँ पे लेबल को टेस्ट करके भी उसके पॉइंट आते हैं कि क्या इन्होंने सीरियसली जो लेबल बनाया वैसा अंदर प्रोडक्ट भी डाला है। तो ऐसी टेस्टिंग, ऐसी रैंकिंग्स के साथ ही ये बताया जा रहा है, तो ऑलमोस्ट अगर फ़र्क होगा भी तो वह 1-2 ग्राम का ही होगा, ज़्यादा फर्क नहीं होगा, पर सोया प्रोडक्ट्स इसमें बिल्कुल इंक्लूड नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रोडक्ट बढ़िया है, रिजल्ट इसके बढ़िया हैं, तब भी मैं कहूँगा कि थोड़ा प्रोटीन कम है तो कम है भाई, 47 ग्राम में अगर 22 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो वो ज़्यादा तो कभी भी नहीं है, हाई क्वालिटी का प्रोटीन है, कंपनी शायद इसीलिए पैसा ले रही है उसका। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोटीन बढ़िया है, आप यूज़ कर सकते हैं, मसल गेनिंग में बेनिफिट ज़रूर देगा, कुछ सप्लीमेंट है साथ में चलाने पड़ेंगे, प्रोटीन
इस प्रोटीन के साथ भी, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी जॉनी किंग अल्फा। कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड, आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। लाइक कर दें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। लव यू फ्रेंड्स, बाय।